फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। और गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है, आप समझ ही गए होंगे, स्नोफॉल पे है। क्योंकि यार अभी जनवरी लास्ट मंथ चल पड़ा है और अभी तक स्नोफॉल ही नहीं हो रहा है यार। बाकी आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में भी, मनाली में, कश्मीर में, शिमला में काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है। बट अभी इससे सीज़न में धर्मशाला में यानी मैकलोट में काफ़ी ही कम स्नोफॉल अभी पीछे हुआ, तब भी उड़ती उड़ती आई थी। अभी कल भी स्नोफॉल हुआ था आपको वहाँ नड्डी में, काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था। बट दिक्कत वही है कि सवेरे तक अभी थोड़ा बहुत ही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ गलू टेम्पल और उसके बाद आपको नड्डी का भी दिखाऊंगा मैं अभी क्या है वहाँ पे, भी है स्नो या नहीं है। कल तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो अभी मैं गलू टेम्पल जा रहा हूँ देखने वहाँ पे कितनी स्नो है और कब तक रहेगी और आगे कब तक पड़ेगी, तो मैं सारा ये आपको बता दूंगा। तो अभी चलते हैं हम फिर गलू टेम्पल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नड्डी में यहाँ पे अभी इतना स्नोफॉल तो हुआ नहीं है। कल हुआ था काफ़ी ज़्यादा, बट अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ही है स्नो। यहाँ पे आपको इतना तो नहीं मिलेगा और ये सेम डे आज के आज ही ये पिघल जाएगी सारी, यहाँ पे मिलेगा। बट आप अपसाइड देख रहे हो तो वो वाला गलू टेम्पल वाला है ये वाला माउंटेन्स, तो यहाँ पर अपसाइड ईजिली मिल जाएगी स्नो। तो अभी नड्डी में तो फ़ायदा है नहीं, आगे अगर मौसम ख़राब रहा और स्नोफॉल हुआ तो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं गलू टेम्पल और यहाँ पे यानी आप देख सकते हैं यार कितनी ही ज़्यादा स्नो है अभी, और जहाँ तक लगता है अभी एक आधा दिन और यहाँ पे रहेगी, बिकॉज़ अगर धूप वगैरह पड़ी तब तो ये पिघल जाएगी। बट यानी नड्डी के कंपैरिजन यहाँ अच्छा है गलू टेम्पल में, यहाँ पे आपको स्नोफॉल यानी ईजिली मिल जाएगा अभी। तो फिर अभी आपको यहाँ के दिखा देते हैं स्नो के अमेजिंग व्यू, फिर उसके बाद आपसे करता हूँ बात।
फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा ही दिया कितना ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ पे गलू टेंपल में, ये एवर्ट नड्डी वगैरह में नहीं मिलेगा अभी। और बाकी अप्रोक्स एक दिन तक तो अभी रहेगा, बिकॉज धूप वगैरह अभी अगर तेज हुई तब तो पिघल जाएगा, बट फिर भी कल या परसों तक थोड़ा बहुत स्नोफॉल या मिल जाएगा। अगर गलू टेंपल में नहीं मिलेगा तो जो सेकंड वाटरफॉल को रास्ता जाता है उस रास्ते पे भी आपको स्नोफॉल अभी 2-3 दिन तक मिल जाएगा। एंड बाकी अगले नेक्स्ट वीक अभी मौसम ख़राब ही बताए हैं, तो मे बी नेक्स्ट वीक फिर दोबारा से स्नोफॉल हो जाए, अगर हुआ तो मैं वो भी आपको अपडेट कर दूँगा, बता दूँगा। बाकी आप आओ, इन्जॉय करो गलू टेंपल में, आपको जब भी स्नोफॉल होता है गलू टेंपल ही आओ, यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। और जब में पड़ेगा तो डल लेक या नीचे मैकलोड के नीचे नीचे तक स्नोफॉल होगा, तब आपको नड्डी में भी इजीली मिल जाएगा, बट अभी नड्डी में स्नोफॉल नहीं है। तो फिर लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ब्लॉग। बाय बाय।